अल्लाह ताला जिन्नात से बचाएगा, शैतीन से बचने का तस्करा भी है इन दुआओं के, बाकियों के अंदर नहीं आता, लेकिन तीन चार सेगमेंट्स ऐसे हैं दुआओं के। एक बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका ला, आयतुल कुर्सी, और नंबर फोर मुआवज़तैन। ये चारों की फजीलत में ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल ने मेंशन किया है जन्नात के हवाले से, ठीक है। अल्लाह ताला बचाएगा कि आपके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। ये जो दुआएं होती है ना, ये एज अ शील्ड के तौर पे काम करती है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म है। बट सम टाइम अगर आ जाए तो इन दैट सिनेरियो वी नीड ऑफेंस मैकेनिज्म। एंड व्हाट इज ऑफेंस मैकेनिज्म? जहाँ पे आप अटैक करते हैं। ये अटैकिंग नहीं है, ये दुआएं अटैकिंग नहीं है, ये डिफेंस करने के लिए हैं। दैट्स द पॉइंट। अब हम ऑफेंस और अटैक कैसे करेंगे? सूरतुल बकरा, उसकी फजीलत पढ़े हैं। मैंने कहा ना, जो मैं बोलूँ वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के रसूल बोले वो आसमानों की बातें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है क्या होता है? भाग जाते हैं। अल्लाह ने बचाने का तस्करा नहीं किया अल्लाह के रसूल, क्या भाग जाते हैं, मतलब आप उनको मारते हैं। देखिए, एक हमारा लेवल होता है जहाँ हमें इल्म का पता ही नहीं होता, दूसरा लेवल वो होता है जहाँ पे हमें कुरान हदीस का पता चलना शुरू होता है, तीसरा लेवल वो होता है जहाँ पे उसका उसकी तत्बीक करना। व्हाट इज़ तत्बीक? तत्बीक मीन उसकी एप्लीकेशन, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ, कैसे, किस तरह से होगी। दैट विल कम विद एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ठीक है। तो ये हमें दो मोड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफेंस मोड को और ऑफेंस।